दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी हेल्थ टिप्स से। दोस्तों शहद को आयुर्वेद में अमृत समान माना जाता है। अगर आप रोजाना शहद खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बट अगर आप गलत ढंग से शहद का सेवन करते हैं तो ये आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि शहद खाने का सही तरीका क्या है और कैसे खाने से आपको फायदा या फिर नुकसान हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि शहद खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों चाय कॉफ़ी में शहद का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। शहद का इन चीजों के साथ सेवन जहर के समान काम करता है। दोस्तों अमरूद, गन्ना, अंगूर और खट्टे फलों के साथ आप शहद खा सकते हैं। इनके साथ शहद खाना अमृत समान माना जाता है। दोस्तों शहद को आग पर कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। शहद को खाने के लिए नॉर्मल शहद ही यूज करना चाहिए। कभी भी मांस मछली के साथ शहद का सेवन न करें। अगर आप दूध में शहद मिलाकर पीते हैं तो याद रखें कि दूध ठंडा हो। गर्म दूध में कभी भी शहद का यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों चीनी के साथ शहद मिलाना अमृत में विष मिलाने के समान माना जाता है। तो हमेशा ये याद रखें कि कभी भी चीनी को शहद के साथ ना खाएं। दोस्तों एक साथ ज़्यादा शहद ना खाएं। एक दिन में दो या तीन बार एक एक चम्मच करके शहद लें। इससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। कभी भी तेल मक्खन में शहद मिलाकर ना खाएं। ये भी जहर समान होता है और आपकी सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अगर आपको शहद खाकर किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो रही हो तो नींबू का सेवन आप शहद खाने के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। टेक केयर, बाय।